वेलकम टू आरएस लर्निंग। आज हम बात करेंगे सर्किल की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसमें क्या है कि अगर आपको वीडियो जो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो नोटिफिकेशन हैं आपको पल पल के मिलते रहें। तो देखिएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप सेंटर से किसी कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किसी अगर सर्किल के सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो वो जो परपेंडिकुलर है वो क्या करेगा, उस कॉर्ड को इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा। क्या करेगा, इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अगर आप सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो कॉर्ड को इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा, या बोल सकते हो अगर इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे वो क्या है, एक परपेंडिकुलर है फ्रॉम द सेंटर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो जाती है। अब इसके बाद देखिएगा सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर सर्कल के अंदर कोई दो कॉर्ड आपस में क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं एक दूसरे को, क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मीन्स क्या है, ए बी और जो डी सी है वो कॉर्ड आपस में क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट पर कर रहे हैं, अब इसमें क्या प्रॉपर्टी आती है कि ए ई मल्टीप्लाई ई बी, क्या किया कि जो ए ई है, ए ई का मल्टीप्लाई किसके साथ किया, ई बी का, वो किसके इक्वल होगा, ई सी इंटू डी, किसके इक्वल होगा, ई सी इंटू डी के, तो वो किसके इक्वल होगा, इस तरह से। मीन्स आपने मल्टीप्लाई किया किसका, ए ई का और ई बी का, जो उसका मल्टीप्लीकेशन है किसके इक्वल होगा, डी ई इंटू ई सी के। तो ये भी जो प्रॉपर्टी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब जो कॉर्ड है हमारे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा इसमें क्या, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर दो कॉर्ड है आपने बनाया, आपने बनाई और क्या है, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ कहीं बाहर जाके किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो इस तरह से कर रहे हैं, अंदर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये तो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो उस केस में क्या करना है आपको, जो ए है, ए बी क्या करोगे, ए बी इंटू ए सी, क्या करना है इसमें, ए बी इंटू ए सी का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा, ए डी इंटू ए ई के। अब इस बात में याद रखना है, ध्यान रखना है आपको, ए डी इंटू ई डी मत कर देना, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। नहीं, आप क्या कर दो, ए बी इंटू बी सी इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए डी इंटू ई डी, तो ये बिल्कुल भी गलत है, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है। तो आपको क्या करना है, ए सी क्या करना है, ए सी इंटू ए बी और ए ई इंटू ए डी, ठीक है, आपको इस तरह से करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोनों, जब कॉर्ड इंटरनली एंड एक्सटर्नली क्या करना है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी और हो गई है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी के बारे में, देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर फोर। तो इस प्रॉपर्टी में क्या है, अगर सेम कोई कॉर्ड है, जैसे ये दे रखा है, ए बी दे रखा है कॉर्ड, ठीक है, ए बी कॉर्ड दे रखा है, तो ए बी कॉर्ड से जो सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल बन रहा है, मीन्स ए बी से यहाँ बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, वो जो सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल बनेंगे सारे क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे। ठीक है, अब देखो नीचे भी बन रहे हैं तो नीचे वाले भी क्या रहेंगे, वो भी आपस में इक्वल रहेंगे। ऊपर अगर एक्स है तो नीचे वाले कुछ भी मान लो बाई हैं, लेकिन एक्स बाई इक्वल नहीं है, ऊपर कुछ और होगा नीचे कुछ और होगा, ठीक है, लेकिन आपस में क्या रहेंगे, वो इक्वल रहेंगे। तो ये प्रॉपर्टी हो जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट में क्या, अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में क्या होता है कि चारों जो इसके वर्टेक्स हैं कोऑर्डिनेटर के, वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आपका एक्सटर्नल एंगल दे रखा है, जैसे ये एक्सटर्नल एंगल आपने निकाला, वो किसके इक्वल होगा, इंटरनल अपोजिट एंगल के इक्वल होगा ये वाले, ठीक है, किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल एंगल किसके इक्वल होगा, इंटरनल अपोजिट एंगल के इक्वल होगा, इंटरनल अपोजिट एंगल के, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा कि अगर कोई कॉर्ड है, इसको मान लो ये भी है, अगर कोई कॉर्ड है, अगर सेंटर पे एक एंगल सब्टेंड कर रहा है, एक एंगल बना रहा है, मान लो 2x बना रहा है, तो उसी कॉर्ड से जो रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस है, रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पे क्या बनाएगा, उसका हाफ बनाएगा, क्या बनाएगा, उसका हाफ। देख सकते हैं आप, यहाँ पर 2x बना रहा है, तो ऊपर कहीं बनेगा वो क्या बन रहा है, x बन रहा है, यहाँ भी कहीं बनेगा वो भी x बनेगा, ये बन रहा है ये भी x बनेगा, तो इस तरह से। लेकिन क्या होना चाहिए, जो फर्स्ट है, जो इनिशियली दे रखा है, कि आपको चेक करना है कि वो सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, अगर सेंटर पर 2x कर रहा है तो बाकी जो सर्कमफ्रेंस है उस पर क्या करेगा, उसका हाफ एंगल बनेगा। तो ये प्रॉपर्टी हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अगली प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारी प्रॉपर्टी। अब इसके बाद देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 7। तो प्रॉपर्टी 7 में क्या है कि
कोई भी अगर यहाँ से दे रखा है कोई टेंजेंट दे रखा है इस तरह से, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, किसको, सर्किल को टच कर रहा है। तो इस तरह से अगर आपको फिगर कहीं दिखता है तो वो क्या होगा, आपको क्या करना है, जो अपोजिट टेंजेंट है, जैसे मान लो ए बी है और डी सी है, इस तरह से कट कर रहे हैं और कट करने के बाद इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, तो क्या करना है, ए बी प्लस डी सी, अपोजिट वाले जो आपके टेंजेंट हैं क्या होगा, ए बी प्लस डी सी इक्वल टू किसके होगा, ए डी प्लस बी सी के, किसके इक्वल होगा, ए डी प्लस बी सी के। तो ये भी प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा, अगर कॉर्ड है, अगर मान लो दो वो दे रखे हैं, दो कोई सर्कल दे रखे हैं, कोई से सर्कल हैं दो, तो क्या है उसमें कि डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, मतलब क्या है कि एक टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, उसका क्या हो रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, बाहर की तरफ आपका उसका कांटेक्ट हो रहा है, इस तरह से देख सकते हैं इसमें फिगर में क्या हो रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है, अगर आपको उस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की लेंथ निकालनी है, अगर उसकी लेंथ निकालनी मीन्स ए पे यहाँ पर हो रहा है और बी यहाँ पर होगा, तो उसकी अगर आपको लेंथ निकालनी है तो वो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप, क्या है, जो सेंटर है, जो उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, अंडर रूट में उसका स्क्वायर माइनस क्या करना है, जो बड़ी वाली सर्किल की रेडियस है माइनस छोटे वाले सर्किल की रेडियस को सब्ट्रैक्ट करके उसका पूरा होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। लेकिन क्या रहेगा, वो अंडर रूट में रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है, जो टेंजेंट है उनका क्या हो रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टेंजेंट भी इसको हम बोलते हैं। तो इस तरह से हो गया, तो ए बी की जो लेंथ है आप प्रॉपर्ली इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट ए बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, नेक्स्ट में क्या है कि इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, जो टेंजेंट है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, इसमें क्रॉस कॉन्टैक्ट हो रहा है, मीन्स जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है उसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो उस केस में अगर आपको ए बी की जो डिस्टेंस अगर निकालनी है, ए बी की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला सेम है, क्या करना है, डी स्क्वायर, डी, अब ध्यान रखिएगा डी क्या है, डायमीटर, स्मॉल जो सर्किल है उसका डायमीटर है, तो डी हो गया, डी का स्क्वायर माइनस, माइनस करना है प्लस, अब इसके बाद जो ब्रैकेट रहेगा उसमें क्या करना है, आर वन प्लस, जो सॉरी जो हमारा कैपिटल आर है और स्मॉल आर है उनका क्या करना है, प्लस करना है, प्लस का होल स्क्वायर कर देना है, प्लस का क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना है। तो इसमें क्या है, इसमें जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में प्लस है जब आपको क्रॉस जो टेंजेंट है उसकी लेंथ निकालनी है, और इसमें क्या है, जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जब हो रहा है उस टेंजेंट की आपको लेंथ निकालनी है, तो यहाँ पर जो अंदर जो ब्रैकेट में दोनों रेडियस क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, मीन्स आर कैपिटल माइनस स्मॉल आर, इस तरह से। तो दोनों ही फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है, डायरेक्ट आप जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उनमें यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया, अब इसके बाद प्रॉपर्टी चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिएगा समझते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 10। तो 10 प्रॉपर्टी में क्या, अगर कॉन्टैक्ट हो रहा है, जो सर्किल है आपस में क्या हो रहा है, उनका कॉन्टैक्ट हो रहा है, तब कॉमन टेंजेंट की अगर आपको लेंथ फाइंड करनी है, तो उस केस में क्या करोगे आप, बाहर 2 का मल्टीप्लाई करोगे और अंडर रूट में क्या रहेगा, आर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो किस तरह से, अगर आपको ए बी निकालनी है तो ए बी क्या आएगी, 2 बाहर रहेगा और अंदर क्या रहेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर अंडर रूट में 2 का मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आप ए बी की जो लेंथ है वो निकाल सकते हो, इन केस जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है, किसका, सर्किल का भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा हो, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा क्या है प्रॉपर्टी नंबर 11। जब 11 प्रॉपर्टी की बात करेंगे, इसमें क्या है कि एक क्या एक कॉर्ड है, कॉर्ड को इसको एक्सटेंड किया है और दूसरा टेंजेंट है, टेंजेंट आपस में क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पर, पी पर। तो उस केस में अगर आपसे पूछी जाए पी टी, जो पी टी है पी टी की लेंथ बताइए, तो पी टी जो लेंथ है कैसे बताएंगे, डायरेक्ट इसमें भी फॉर्मूला है, पी टी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी ए इंटू पी वी। देखिएगा ध्यान से क्या है, इसमें भी क्या है, पी ए पहले लेना है, ठीक है, और पी बी लेना है, ये नहीं कि ए बी ले लो, इसमें ए बी ले लिया तो पूरा गलत हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर आपको पी टी निकालना है तो पी टी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमेशा याद रखिएगा, पी ए इंटू पी वी, ये लिखना है, यही लिखना है हमेशा। अगर आपने लिख दिया पी टी का स्क्वायर, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहता है, बच्चे लिख देते हैं, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, तो मैं जहाँ पर मिस्टेक होती है उसको मैं बता रहा हूँ क्या होता है, पी टी का स्क्वायर अगर आपने मान लो ये लिख दिया पी ए इंटू ए बी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी को भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 12। तो इसमें क्या है कि अगर कॉर्ड और टेंजेंट, अगर कॉर्ड और टेंजेंट अगर दोनों आपने ड्रॉ किए एक ही पॉइंट पर, एक पॉइंट पर क्या किया, ड्रॉ किया, ठीक है, ये कॉर्ड है,
तो कौड़ा और टेंजेंट ड्रॉ किया, जो एंगल सब्सटेंड हो रहा है, जो एंगल वहाँ पर उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, अब उस कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी एंगल बन रहा है, उस कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी एंगल बन रहा है सर्कल की, तो वो उसके क्या होगा, इक्वल होगा। देखिएगा, समझिएगा प्रॉपर्टी, ध्यान से देखिएगा। एक टेंजेंट है, उसी पॉइंट पर जहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है टेंजेंट का, वहाँ पर कॉर्ड एक बनाया गया, कॉर्ड की वजह से कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो किसके इक्वल होगा, सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी एंगल बना दो उस कॉर्ड की वजह से उसके इक्वल होगा। तो इस प्रॉपर्टी को, लेकिन अपोजिट में देखिएगा, कहीं ऐसा नहीं है यहाँ ये वाला ले लिया, ये नहीं है, अपोजिट वाला जो एंगल बन रहा है, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये भी प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये तो नॉर्मल प्रॉपर्टी की, जैसे कि अगर सर्कल दे रखा है, एक अगर जो कॉर्ड है बोल सकते हो कि डायमीटर है ना, कॉर्ड भी एक क्या डायमीटर है जो कि सेंटर से जा रहा है, तो सेंटर से आपने एक डायमीटर ड्रॉ किया, तो उसकी वजह से सर्कमफ्रेंस पर जो कहीं एंगल सब्सटेंड होगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये प्रॉपर्टी है, 13 प्रॉपर्टी थी, इंपॉर्टेंट काफ़ी प्रॉपर्टी है। अब इसमें कुछ और चीज़ें बता देना हूँ, शायद नॉर्मल चीज़ें आपको पता ही होगा कि अगर जैसे हम बात करते हैं कि डायमीटर क्या होता है, 2R के इक्वल होता है, ये भी हो गया। अगर आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है तो सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होता है, पाई डी के इक्वल, क्या होता है, पाई डी, कहीं कहीं 2πr भी लिखा होता है, 2πr, ये भी होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है। अगर एरिया की बात करेंगे, एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। इस तरह से ये जो प्रॉपर्टी थी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी काफ़ी, तो आपको सारी प्रॉपर्टी अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक दो बार रिवाइज़ करिए इनको, एक दो बार रिपीट करिए, वीडियो देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पल पल की मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।